रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई झंडी, रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या में अवध में उत्साह है भारी, रामनगरी में दीपोत्सव की धूम। कानपुर में राहुल शुक्ला को फिर चुना गया जिलाध्यक्ष, ग्रामीण व्यापार मंडल का बनाया जिलाध्यक्ष। लखनऊ में मोहित पांडे के परिवार से मिले विधायक योगेश शुक्ला, विधायक ने पीड़ित परिवार को दिए 10 लाख रुपए। नमस्कार, मैं गौरी, आपका स्वागत है, देख रहे हैं आप आज की खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सीएम आवास से रन फॉर यूनिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिवाली के त्यौहार के कारण इस दौड़ को 2 दिन पहले आयोजित करना पड़ा। यद्यपि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन दीपावली के आयोजन के साथ पूरे समाज के जुड़ने के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पूर्व आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लोह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं, अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। दीपावली की धूम अयोध्या में साफ तौर पर दिखने लगी है। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। एसपी डॉक्टर अनूप सिंह ने हनुमानगढ़ी के पास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा को लेकर पुलिस पदाधिकारियों अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं और दीपोत्सव के मौके पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में पर्यटन विभाग द्वारा निकाली जाने वाली झांकियों की झलक भी देखने को मिली। कानपुर ग्रामीण व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष के रूप में राहुल शुक्ला को फिर से चुना गया है। व्यापारी हितों के लिए सक्रिय राहुल शुक्ला ने स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों से दुकानों में खरीदारी करने की अपील की है। ये दीपों का त्यौहार है, हम सभी लोग खुशियों से मिलकर मनाएं, आप सब में सौहार्दपूर्ण से रहें। लगातार आप व्यापारी भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ यहाँ पे व्यापारी भाई जो हैं जाम की समस्या को लेकर शिकायत करते रहते हैं, उसके लिए क्या निराकरण किया जाएगा? जाम के लिए हमने लगभग कई वर्ष, एक साल से जब से ही वन में लगा है, तो कई बार अधिकारियों से मिले, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मिले, और जो जाम की मुख्य समस्या थी ई रिक्शा, तो इसको हम लोगों ने सीएनजी पंप पे रुकवा दिया है, इससे बहुत ही जाम में राहत है। और एक जीटी रोड इंदिरा नगर के बीच में कट है, उसको खुलवाने के लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास किया है और इसको लिए हमने चाहते हैं कि ये अगर जल्दी से खुल जाएगा तो व्यापारियों के हिसाब से ग्राहक अभी कम आ रहे हैं तो और आएंगे और व्यापार बढ़ेगा। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत के मामले में सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। बख्शी का तालाब सीट से भाजपा विधायक योगेश शुक्ला ने मोहित की पत्नी सुषमा पांडे को इस सहायता राशि चेक सौंपा। फरुखाबाद के जिला फतेहगढ़ जेल की महिला बंदियों ने इस दीपावली के लिए खूबसूरत दिए और मोमबत्तियां तैयार की है जो आम जनता के लिए कम कीमत पर उपलब्ध है। जेल के बाहर काउंटर लगाए गए हैं, दियों के साथ नान खटाई बिस्किट की बिक्री भी की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में दीपावली त्यौहार जो है सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में इसको मनाते हैं। जेल में भी बंदियों में इसके प्रति बहुत उत्साह है और महिला बैरक में हमारी जो महिला बंदी हैं वो पूर्व की भांति जो है डिजाइनर मोमबत्तियाँ और डिजाइनर दियों का निर्माण कर रही हैं। इनको जो है वो बाज़ार में भी बेचा जाएगा और जेल के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत से हमारे कर्मचारी हैं वो भी खरीद लेते हैं, अधिकारी लोग भी खरीदते हैं और स्थानीय प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी इसको खरीदते हैं जो कारागार पर आते हैं। इसके लिए हमने कारागार के बाहर एक रिटेल आउटलेट बनाया हुआ है जिस पर इनकी दियों की बिक्री
और मोमबत्ती दीयों की बिक्री की जाएगी। हमीरपुर जनपद के सरेला कस्बे में पत्रकार अमित कुमार के साथ नगर पालिका अध्यक्ष के इशारे पर दबंगों ने मारपीट की। पत्रकार को घर से बातचीत के बहाने बुलाकर कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और फिर असलहे के बट से पीटा गया। पीड़ित ने घटना की जानकारी जरिया थाने में दी है, जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को मामला दर्ज किया है। चेयरमैन का धमकी वाला ऑडियो वायरल हो रहा था तो मैंने उसमें खबर लगाई थी। खबर लगाने के बाद कल शाम को लगभग 6 बजे चेयरमैन द्वारा मुझे बुलवाया गया चौराहे पे, और चौराहे पे बुलवाने के बाद उनके गैंगस्टर साथियों द्वारा, 4 गैंगस्टर साथी उनके साथ 6-7 लोग थे, और मुझे घर के अंदर घसीटते हुए ले जाके वहाँ पे मारपीट की गई। लगभग 4 घंटे 3rd degree का टॉर्चर दिया गया और जबरन मुझसे फर्जी वीडियो बनवाए गए, और ऐसा न करने पर वो कट्टा की दम पे, बिल्कुल कट्टा सर में लगा लगा के जबरन मुझसे फर्जी वीडियो बनवाए गए और कहा कि अगर भूखे से तुमने थाना या चौकी में शिकायत की तो ये वीडियो तुम्हारे वायरल कर दी जाएगी, और काफी गंदी वीडियो बनवाई गई। यूपी के कौशाम्बी जिले के सौराई बुजुर्ग गांव में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है 15 दिनों में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से अधिक लोग डेंगू से पीड़ित हैं। पीड़ितों की हालत गंभीर देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाकर मरीजों की जांच, दवा वितरण शुरू कर दिया है। उस सराय बुजुर्ग में लगातार हमारी मेडिकल टीम जा रही है और हर दिन कम से कम 200-300 लोगों की जांच कर रही है, और अब तक के जो संज्ञान में आया है कि 5 से 6 लोगों का वहाँ पे डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है। उनका इलाज भी चल रहा है, उनको हम लोगों ने मेडिसिन भी दिया है। लगातार हमारी MOIC की टीम लगातार जा भी रही है, चेक भी कराते रहे, लेकिन उसमें कोई ऐसा तत्व नहीं आया है जिसके कहा जा सकता है कि डेंगू से किसी की डेथ हो। वैसे 2 लोग उस गांव से जिनका डेथ हुआ है, प्रथम दृष्टया पाया गया था कि उनको हार्ट अटैक था और एज रिलेटेड था, ना कि डेंगू से रिलेटेड किसी का डेथ नहीं हुई। लेकिन फिर भी आगे हम लोग और टीम भेजते रहेंगे, लगातार इस पर हमारा ध्यान है। हमारे स्वास्थ्य टीम भी लगी हुई है, RBS की टीम भी लगी हुई है, जो हर हर गांव में जाके चेक कर रही है, और पता लगते ही संबंधित MOIC को हम लोग अवगत कराते हैं कि ऐसी कोई संभावना है कि पॉजिटिव आ सकता है, तो तुरंत हम उनको एडमिट करा के उनकी जांच कराते हैं और उनकी दवाई भी दे देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। यूपी के बांदा में महज महिलाओं के बीच डांस करने से मना करने के मामले में दबंग पड़ोसी ने एक किसान को फरसे से काटकर उसकी हत्या करके इलाके में सनसनी फैला दी। खेतों में ट्यूबवेल के पास किसान का शव पड़ा मिला है, जिसके बाद परिजनों ने शव को देख के पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया है और मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना ये हुई है सर कि मेरे पिताजी को 1 साल पहले शादी में थोड़ा बहुत रंजिश हुई थी बात आ रही थी जिस आदमी से, तो उसने फिर झगड़े के वक्त जाते जाते बोला था कि मैं तुमको देख लूंगा। उसके कारण मतलब वो बात पुरानी हो गई, तो कल उसको 3 आदमियों ने मिल के मारा। एक आदमी का तो पक्का नाम है, उसी के घर के सामने लाश मिली। वजह ये थी कि औरतों के बीच में नाच रहा था वो, तो आदमियों ने मना किया उसको कि लेडीज के बीच में नहीं नाचना है। बस यही थी, दारू पी के नाच रहा था लेडीजों के बीच, बस यही मैटर था, और कोई पुरानी या जाति दुश्मनी नहीं थी हमारी। राधे श्याम वर्मा पुत्र कामता वर्मा उम्र 60 वर्ष की उसके पड़ोसी द्वारा हत्या कर दी गई थी। तदुपरांत त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना कमासी में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। 3 टीमों का गठन किया गया। तीनों टीमों के समन्वय एवं समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त का नाम शिव पूजन वर्मा पुत्र दोगा वर्मा है, जिसने पूछताछ से बताया कि 1 साल पहले मृतक के बेटे की शादी में DJ पर डांस करने को लेकर विवाद हुआ था, जिससे इन दोनों के बीच में कसीदगी बनी रहती थी। अभियुक्त के निशानदेही पे आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर मानी न्यायालय प्रेषित किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सहारनपुर के सरसावा में अंकल जॉन्स पिज्जा की नई फ्रेंचाइजी का शुभारंभ कराना सांसद इकरा हसन के द्वारा किया गया। गुजरात से आए फ्रेंचाइजी ओनर सैयद बाबर हुसैन ने बताया कि ये इंडिया की उनकी 71वीं ब्रांच है और लोगों को क्वालिटी पिज्जा के साथ लजीज आइटम मिलेंगे। जो इनॉग्रेशन किया है वो सरसावा में किया है, जो गुरुद्वारा के सामने है। अंकल जॉन्स पिज्जा का ये 71 जो है आउटलेट ओपन हुआ है आज, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो है जो ओपनिंग के लिए हम लोगों ने जो बुलाई थी MP साहिबा थी, यहाँ पे इकरा हसन जी थी और उमर अली खान जी यहाँ पर उपस्थित थे, और उन्होंने हमारा हौसला अफजाई किया आके यहाँ पर। और आप लोगों से भी चाहते हैं कि ये ब्रांड को हम इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। कौशाम्बी के एक मनोरोगी आश्रय स्थल में मानव अंगों की तस्करी हत्या का गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ संस्था के पूर्व कर्मचारी अंसार अहमद ने संचालक पर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। ये ट्रस्ट के बारे में हमें भी संज्ञान में है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि अंग वाला, मानव अंग वाला, इसके अब और जांच के लिए आज सुबह ही हम लोगों ने टीम गठित किया है, और उसमें विकलांग कल्याण अधिकारी भी मेंबर है, उसमें वो जाएंगे वहाँ पे चेक कराएंगे।
और उसमें जो भी अगर उनको कोई मान्यता मिली है या जो भी है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसे कोई तथ्य संज्ञान में आते हैं। कि आश्रम में हम काम करते थे, जब उसका हो गया था स्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ था तो उसका गेट ये वो सब हम ही बनाए हैं। वो पागलों को बाहर के लेके आता था, वहीं पर उनको बहुत मारता था नशे की हालत में, और उनसे मार मार के पूरा मसाला ये खुदाई और ये सब करवाता था। दो पागल तो वहीं पे मारते मारते मर गए, उनको वहीं पे दफनाया गया। हमीरपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहरका गाँव में मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई तो पता लगा कि एक व्यक्ति विक्रम सिंह उम्र करीबन 45 वर्ष, जिनकी हत्या गांव के ही रहने वाले लवकुश सिंह के द्वारा कर दी गई है, उनके द्वारा फायरिंग कर दी गई थी जिससे विक्रम सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। शव का पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इनके परिवार से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त को भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो आला कत्ल इसमें इस्तेमाल हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे सहारनपुर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां आम के बाग में पेड़ पर एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। शव लटका होने की खबर पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली बेहट पुलिस मौके पर पहुंची, शव को उतार के लिए पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी। लखीमपुर खीरी के इंदिरा मनोरंजन पार्क और आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया। बता दें कि तेंदुआ एक व्यक्ति की जान लेने के साथ कई मवेशियों को और कुत्तों को भी शिकार कर चुका था। ग्रामीणों में दहशत का माहौल छाया हुआ था, लेकिन अब तेंदुए के पिंजरे में कैद होने पर राहत की सांस लोगों ने ली है। इधर काफी दिनों से ये हमारा जो इंदिरा पार्क है, नेचुरल फॉरेस्ट है, वहाँ पे और मजरा फार्म से लगा के ये अपने प्राकृतिक वास में रह रहा था, लेकिन कभी कभी भटक के पब्लिक गांव में चला जाता था जिससे दहशत होती थी लोगों को। और काफ़ी तो हम लोग काफ़ी दिनों से इसमें लगे हुए थे, चार चार पिंजड़े लगाए हुए थे और कि आ जाए। तो अभी पिछले दिन परसों की रात ये हमारे पिंजड़े से तक गया, फिर नहीं आया। कल ये मोहनपुर में दिखा था फिर, लेकिन रात में ये हमारे पिंजड़े में आ गया। इधर सहारनपुर की एक युवती ने झुंझाना के कुछ लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। युवती का कहना है उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे बंधक बनाया गया और दुष्कर्म के बाद दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। हाँ, वो लोग जो है क्या कहते हैं वसीम कौन कौन है, उन्हीं के कहने पर चल रही है, उन्हीं की बातों पर आ रही है, तो उन्होंने छत से गिराया सुनने में आ रहा है। तुमने तो पहले भी मुकदमे लिखे थे, कोई काम नहीं हुआ उससे भी। अभी ये पीछे हट रही होगी, कोई उनका कहना नहीं मान रही होगी, इसलिए अब मैं तो साथ में थी नहीं, मैं तो अपने घर पे थी, ये तो खुद उनके साथ में मिलकर अलग अलग बातों में आ रही थी। दीपावली के मौके पर सहारनपुर के कुम्हार मिट्टी के दीयों की घटती मांग से चिंतित है। उनका कहना है कि बाजारों में चाइनीज लाइट और मोमबत्तियों की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अब दीयों का ऑर्डर बहुत कम मिल रहा है। बता दें पहले भी बिना ऑर्डर लाखों दीये बना लेते थे, लेकिन अब सिर्फ खास ऑर्डर पर दीये बन रहे हैं, क्योंकि चाइनीज चीज में कहीं पानी वाला दिया आ गया, कहीं मोमबत्ती वाला दिया आ गया, कहीं लाइट वाला दिया आ गया, तो उस चीज से क्या ना फर्क काफी पड़ चुका है। तो अगर बात करें इस तरह के और कार में आप लोग ऑर्डर पे बनाते हैं या फिर अपने निजी बनाते हैं? सर जी, पहले तो बिना ऑर्डर के माल बिक जाता था, अब ऑर्डर पे लेके माल बनाना पड़ता है। कोई कह जाता है कि भाई मेरे 10,000 दीवे बना दिए, कोई कहता है 15,000 बना, तो उस तरीके से सेल भी कम है। पहले बिना ऑर्डर के 2-3 लाख दीवा बिक जाता था, अब ऑर्डर समेत ही 1 लाख दीवा बिक रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।